varied experience students will understand the varied experience and cognitive development of preschoolers preschool age children are likely to have the different uh, learning experiences when involved in different types of uh, activities Jab, uh, in ko aap ke, uh, diverse type of skills which very important hai is uh, age mein. सो आप डिफरेंट एक्टिविटीज डिफरेंट सेटिंग्स और बहुत मुख्तलि नवाओ अकसाम की जो एक्टिविटीज़ और मटीरियल को इकट्ठा करेंगे ताकि उनकी आ, जो इंटरेक्शन है इन मटीरियल के साथ इन एक्टिविटीज़ के साथ उनकी बेहतर तरीके से कोग्नेटिव डिवेलपमेंट हो सके और कम्प्लीट डे टाइम में जो उनका पूरा स्कूल का एक दिन है आपने मुख्तलफ़ किस्म की तजुर्बात उनके लिए रेडी रखने हैं जिससे वो अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को uh, बेहतर बना सकेंगे अफेक्टिव एक्सपीरियंसेस, फ्री चॉइस टाइम वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रीडम इज़ रिलेटेड टू प्री स्कूलर्स फ्रीडम इज़ रिलेटेड टू अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन सो चिल्ड्रन नीड मैनी अपॉर्चुनिटीज टू इंगेज इन प्ले एंड टू फॉलो देयर इंटरेस्ट अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है आप उसे ज़बरदस्ती करेंगे तो वो कुछ भी लर्न नहीं कर पाएगा सो so, उसको आपने फ्री चॉइस टाइम देना है वो ख़ुद से सेलेक्ट करे कि वो जो करना चाहता है और उसके आ, साथ वो कौन कौन सी एबिलिटीज़ सीख रहा है दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सो आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को एक प्री स्कूल क्लास में प्रोवाइड करना है आपको एक सेटिंग पूरी की पूरी आ, जो मटीरियल हैं वो सेट करने हैं और उसमें चिल्ड्रन फ्री टाइम चॉइस भी होना चाहिए एक ऐसा टाइम जिसमें बच्चे अपने चॉइसेस को अपनी ख्वाहिशात का इस्तेमाल कर सकें और सोच सकें उनके बारे में और अलाउ करें उनको कि वो जो चाहते हैं वो उस टाइम में बच्चे कर लें फ्री चॉइस टाइम इज़ द टाइम ड्यूरिंग द स्कूल डे इन विच चिल्ड्रन मेक देयर ओन चॉइसेस अबाउट व्हाट एक्टिविटीज़ दे एंगेज इन इंटरेस्ट एरियाज इन द्लास रूम सो मैनी टाइम्स बच्चे जो हैं वो खेलना चाहते हैं कई दफ़ा बच्चे गे जो ब्लॉग्स हैं उनके साथ करना चाहते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स एंड समाइम्स दे ऑल्सो वॉन्ट टू डू कलरिंग सो ये आप उस में अपनी डेली रूटीन में उनका जो एक आ, फ्री चॉइस टाइम है वो सेटल करेंगे और आप आ, आ, जो है स्केफोल्डिंग टेक्निक पे आएंगे कि के आप केयर गिवर्स जो हैं या टीचर्स वो उनको एक पुरतफ माहौल देंगे और चॉइस उनकी होगी कि वो क्या करना चाह रहे हैं आउटडोर टाइम लाइक इंडोर फ्री चॉइस टाइम यू हैव टू जस्ट गिव देम द आउटडोर फ्री चॉइस टाइम आप उनको बाहर भी लेकर जाइए उनको गार्डन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट मैं जितनी देर आप से बात करती हूँ मैं उस पर फोकस रहती हूँ कि बच्चों को जो उनकी इमीडिएट uh, इन्वायरमेंट है उससे इंट्रैक्ट करना सिखाइए uh, उनको बाहर लेकर जाइए वो मट्टी से सैंड से घास से पौधों से uh, आसमान से बातें करना सीखेंगे और फिर आउटडोर टाइम इज़ सिमिलर टू फ्री चॉइस टाइम कि वो बच्चे वहाँ जाकर क्या करते हैं किस तरीके से प्ले करते हैं और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आप प्ले में भी डायरेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे राइमिंग्स भी लेके आ सकते हैं वहाँ पे वो सर्कल टाइम में गोल गोल घूमना बहुत सारे ऐसी गेम्स हैं जो टीचर उनको बाहर ले जा के करवा सकते हैं और थोड़ा सा टाइम उनको ख़ुद भी दें कि वो कैसे एक्सप्लोर करते हैं आउटडोर को लार्ज ग्रुप एक्टिविटीज़ प्री स्कूल चिल्ड्रन ऑल्सो बेनिफिट फ्राम लार्ज ग्रुप एक्टिविटीज दैट आर इनिशिएटेड बाई आ टीचर सो आप देखेंगे कि जो बड़े ग्रुप्स हैं उनमें बच्चा बड़े बेहतरअंदाज से सीखता है और टीचर्स जो हैं क्लास रूम को uh, उसी तरीके से डिवाइड करेंगे कि uh, uh, जो बड़े ग्रुप्स में बना के बच्चों को उन एक्टिविटीज़ में इंगेज करेगा सो दीज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इंस्ट्रक्शन uh, और डिस्कशन फोकस्ड ऑन बिल्डिंग चिल्ड्रन्स एकेडमिक एंड सोशल स्किल्स तो बच्चे एकेडमिकली uh, भी सीखेंगे और एक दूसरे से बात भी करेंगे और एक ग्रुप बड़े ग्रुप में uh, जो बच्चा करना चाहेगा टीचर उसको प्लान uh, करेगा जाकर द टाइम प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू रीड स्टोरीज टू द ग्रुप सो इसमें आप देखेंगे अगर uh, क्लास में बैठ के आप स्टोरी सुनानी है तो वो बच्चे आपको पूरे का पूरा आप देखें कि आपके एक्सप्रेशन को भी नोट करेंगे इंटरेस्ट से भी सुनेंगे गाना भी गाएंगे आपके साथ राइम्स होती हैं बच्चों की राइम्स होती हैं आप दोनों लैंग्वेज में आ रही हैं उर्दू में भी हैं इंग्लिश में भी हैं आप उनकी वोकेबलरीरी डिवेलप कर सकते हैं दोनों ज़बानें सिखा सकते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट आप उनको इस तरीके से बताएँगे सो वेलकम अ गेस्ट विजिटर एज़ वेल गेस्ट uh, विजिटर में कोई भी हो सकता है बच्चों के पेरेंट्स बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स आप उनको प्लीज़ ज़रूर वेलकम कीजिए फैमिली को इन्वॉल्व करें उनके साथ ताकि बच्चों बच्चे जो हैं वो आ, 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 उनसे भी लर्न करें और वो आप देखें कि उनका कितना एक्साइटमेंट लेवल हाई हो जाएगा स, आ, इसी तरीके से आपकी जो कम्युनिटी में लोग हैं डॉक्टर है कोई कोई इंजीनियर है कोई बस ड्राइवर है तो ऐसे लोगों को भी इन्वाइट करें कि वो बच्चों को अपनी स्टोरीज भी सुनाएं और इस टाइम पे वो इन अ बेटर वे वो वेरिड एक्सपीरियंस ले सकें स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप एक क्लास में रहते हुए बच्चों को दो दो तीन तीन चार चार के ग्रुप्स में डिवाइड कर दें तो ये छोटा सा ग्रुप बन जाएगा एंड उनके लिए बड़ी एक्टिव इंगेजमेंट्स के प्लान करें सो स्मॉल ग्रुप चिल्ड्रन ऑल्सो अलाउ चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद देअर पीयर्स एंड देन कंबाइंड विद वन वन ऑन वन अटेंशन फ्रॉम द टीचर सो जब छोटे ग्रुप्स में बैठेंगे और फिर अपने पेयर्स के साथ अपने दोस्तों के साथ क्लासमेट्स के साथ बात करेंगे तो टीचर की अटेंशन भी आ जाएगी सो so, दोनों के बारे में अब डिस्कशन हो गई कि लार्ज ग्रुप में टीचर कैसे uh, प्लान करेगा और छोटे ग्रुप को टीचर्स जो हैं वो कैसे कंट्रोल करेंगे और प्लान करेंगे एक्टिविटीज़ को ट्रांजिशंस ट्रांजिशंस आर अन एवॉडेबल इन प्री स्कूल क्लास आप देखेंगे कि पूरा दिन बच्चे जब आपके साथ हैं जो पूरा उनका फिक्स टाइम है प्री स्कूल एज का सो so, उसमें आप देखेंगे सम टाइम्स जो बच्चा है वो वो एक्टिविटी नहीं भी करना चाह रहा उसके अपने मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं सो वो बच्चे का जो इंटरेस्ट है मे बी समाइम्स क्लिनिंग अप ट्रस्ट एरियाज एंड लाइनिंग अप टू टू गो आउटसाइड सो ट्रांजिशन आर ऑफन अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द प्री स्कूल डे एंड उसमें आप देखेंगे जो बच्चों की इंगेजमेंट है वो भी लो हो सकती है एक्टिविटी उनकी पार्टिसिपेशन सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस ट्रांजिशन मूड्स एज वेल इन द प्री स्कूल सो so, रूटीन्स जब आप बनाएंगे रूटीन्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन प्री स्कूल एज एंड द क्लासरूम दिस इंक्लूड्स थिंग्स सच एज़ अराइवल टाइम बाथरूम टाइम एंड क्लीन अप लाइन नैप टाइम है फिर लंच टाइम आप देखें कि वो भी होता है और फिर डिपार्चर टाइम के उस बच्चे ने जाना है सो so, इनके साथ आप देखें कि जब उनके इतनी सारी रूटीन आपके सामने आई है तो फिर यहाँ पे आप उनको इन रूटीन्स के साथ एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ भी कराएंगे। कि वो आते ही अगर वो सलाम करेगा बच्चा या टीचर से जिस भी अंदाज़ में मिलना चाहेगा आ, आ, वो आप उसकी एक रूटीन बनाना शुरू करेंगे वॉशरूम का बाथरूम जाने का पूछेंगे स्नैक टाइम पे क्या करना है उससे पहले हाथ धोने हैं बिस्मिल्ला पढ़नी है बैठना है नैपकिन को सेटल करना है सो मैनी थिंग्स और डिपार्चर टाइम जाते हुए उसने सबको बाय बाय कहना है अल्लाह हाफिज करके जाना है सो फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन दिस मीन्स दैट रूटीन शुड सपोर्ट चिल्ड्रन इन डिवेलपिंग एबिलिटीज टू डू टू डू थिंग्स ऑन देयर ओन बट शुड नॉट बी टू कॉम्प्लिकेटेड सो यहाँ पे आप देखें कि आपने सिंपल रूटीन्स रखनी है और कॉन्टिन्यूटी रखनी है आपने कोई बहुत मुश्किल किस्म की रूटीन और लंबे लंबे अल्फाज नहीं रखने या बहुत uh, रूटीन में नहीं लेकर जाना है ऐसी चीज़ों पर जो कॉम्प्लिकेटेड हो और बच्चे के लिए उन रूटीन्स को लर्न करना या उसको दोबारा करना उनके लिए मुश्किल हो जाए थैंक यू